मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारे जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है, इस पर हम लोगों को विचारना चाहिए। और विचार करने के पश्चात जिसकी आवश्यकता है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कोई कहेगा मुझे एक अच्छे मकान की सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई कहेगा मुझे विद्या की जरूरत है, कोई कहेगा मुझे रूप की जरूरत है, कोई कहेगा मुझे अधिकार की और पद की जरूरत है। लेकिन प्रश्न यह है, धन मिल गया, अच्छा मकान मिल गया, सुंदर रूप मिल गया, पद मिल गया, अधिकार मिल गया, इसके बाद किसकी जरूरत है? इन सबको आप क्यों चाहते हैं? धन को धन के लिए चाहते हैं, पद को पद के लिए चाहते हैं, या कुछ और चाहते हैं? धन, पद, अधिकार, रूप, मकान, विद्या, यह सब जीवन के लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है शाश्वत सुख, आत्म शांति की प्राप्ति। धन बहुत बढ़ जाए और आपका सुख घट जाए, आप मानो 1,00,000 रुपये लेकर जा रहे हो, अकेले हो, सुनसान रास्ता हो, शाम का समय हो, दूसरी तरफ से या झुरमुट से एक आदमी निकलता है, आपके सामने खड़ा हो जाता है और छुरी निकालता है और कहता है जो कुछ तुम्हारे पास रखा हो निकाल कर सामने रख दो, नहीं तो खैरियत नहीं होगी। बड़ी मेहनत से आपने 1,00,000 रुपया कमाया है, वो कुल आपके जीवन की कमाई है, उसे लेकर आप जा रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति कहता है जो कुछ तुम्हारे सामने हो यही निकाल कर रखो, नहीं तो खैरियत नहीं होगी, अब आप क्या करोगे? वो रुपये निकाल करके रखोगे या मौत स्वीकार करोगे? कोई भी हो के भैया रुपया ले ले, जान छोड़ दो, तो रुपया उद्देश्य नहीं है। यदि रुपया प्राण घातक बन जाए, सुख में बाधक बन जाए, तो आदमी रुपया छोड़ देता है। ऐसे अन्य और चीज है। धन बहुत बढ़ा, सुख घट गया, मकान बहुत बड़ा है, सुख नहीं है, बिल्कुल नींद नहीं आती है, खूब विद्या है, खूब बड़ा पद है, लेकिन मन में क्लेश है, चिंता है, तनाव है, भय है, तो क्या आपको पद, अधिकार, विद्या ये सब सुख दे सकते हैं? जीवन का उद्देश्य है शाश्वत सुख, परम शांति की प्राप्ति, और वह सुख धन से नहीं मिलने वाला है। यदि धन से सुख मिलता तो दुनिया में जितने धनी आदमी हैं सब के सब सुखी हो गए होते, लेकिन क्या ऐसा है? जैसा एक गरीब आदमी दुखी है वैसा ही एक धनवान आदमी भी दुखी है, जैसा एक अनपढ़ आदमी दुखी है वैसा एक पढ़ा लिखा विद्वान आदमी भी दुखी है, जैसे झोपड़ी में रहने वाला आदमी दुखी है
वैसे ही महल में भव्य भवन में रहने वाला आदमी भी दुखी है। और जैसे एक चपरासी दुखी है, वैसे ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी दुखी और भयभीत हैं। क्यों? दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है? सुख का कारण है सुंदर बुद्धि और सही समझ, सही व्यवहार। दुख का कारण है कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, गलत समझ और गलत व्यवहार। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, सकलो दुर्मति दूर कर। साहब ने एक नहीं कहा कि खूब धन प्राप्त करो, खूब विद्या प्राप्त करो, खूब प्रशंसा प्राप्त करो। साहब कहते हैं दुर्बुद्धि को दूर करो। दुर्बुद्धि जीवन में रहेगी तो जो कुछ हमें मिलेगा वह सब के सब हमारे दुख का कारण बन जाएगा। सब कुछ मिलने के बाद भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। दुर्बुद्धि मूल में है, एक कुआं है, कुएं का जगत बराबर है जमीन के। दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते दोनों कुत्ते उसी कुएं में गिर गए। गिर तो गए लेकिन निकल नहीं पाए, दोनों कुत्ते डूब करके उसी मर गए। अब जब कुत्तों की लाश सड़ने लगी तो कुएं से दुर्गंध आने लगी। गांव में वही एक कुआं था जिससे गांव भर के लोग पानी पीते थे। लोग आए, देखे पानी से दुर्गंध आ रही है, अब पानी पिए कैसे? तब लोग ने कहा भी कि इसके दूर करना चाहिए, कि पलित नहीं था। तो एक पुरोहित जी थे, उनके पास गए, कहा पुरोहित जी गांव के कुएं में दुर्गंध आ रही है, पानी पीने लायक नहीं, क्या करें? क्या ऐसा करो, उस कुएं का 100 घड़ा पानी निकाल दो और बाहर गंगा से 100 घड़ा पानी लाकर कुएं में डाल दो और थोड़ी पूजा कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा किया गया। दूसरे दिन देखता है दुर्गंध और बढ़ गई है। फिर दूसरे एक के पास गया तो उस पुरोहित ने कहा ऐसा करो कि गंगा जल डालो, ठीक किए, दुर्गंध दूर करना चाहते हो तो 25 ब्राह्मणों को और 25 साधुओं को कुएं के पास बैठा करके भोजन करा दो और 100 रुपया दक्षिणा दे दो, सब ठीक हो जाएगा। वैसा भी किया गया लेकिन दुर्गंध दूर कैसे हो। तीसरे किसी एक महात्मा के पास गए, तुमसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा करो, दुनिया में जितने तीर्थ हैं उन सबका पानी ले आओ और पानी लाकर कुएं में डालो और गांव भर के गांव के आसपास जितने गरीब लोग हैं गरीबों को भोजन करा दो, सब पानी ठीक हो जाएगा। पैसा भी किया गया लेकिन दुर्गंध घटने के बजाय बढ़ती गई। कुछ दिन बीते तो एक विवेकी संत मिले, उसी गांव में आ गए संत। लोगों ने कहा कि संत जी ऐसे ऐसी समस्या हमारे सामने है और हमने ऐसे ऐसे उपाय किया लेकिन समस्या दूर नहीं हुई, दुर्गंध बढ़ती जा रही है। तो महात्मा ने कहा, संत ने कहा ठीक है, ये बताओ कुएं में जो कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी उसे निकाले कि नहीं निकाले? वो तो निकाला ही नहीं गया। तो कहा चाहे जितना भी पूजा पाठ करो, जितना भी भंडारा कर लो, दूर नहीं होने वाले, पहले लाश निकालो और कुछ भी ना करो। ऐसे ही दुर्बुद्धि की दुर्गंध जीवन में आ रही है। सारी सड़न कहां से पैदा होती है? दुर्बुद्धि से पैदा होती है। और दुर्बुद्धि को दूर किया नहीं गया, अब बहुत कुछ उपाय किया गया,
सुख पाने के लिए आदमी कहां कहां भटकता है, क्या क्या नहीं करता है। लेकिन धन बढ़ता गया, पद बढ़ता गया, मकान बढ़ता गया, विद्या बढ़ती गई, अधिकार बढ़ता गया, दुनिया भर में नाम भी फैल गया, जीवन का दुख जो का त्यों बना हुआ है, शांति मन में नहीं है। दुर्बुद्धि जहां रहेगी दुख आएगा ही आएगा, और दुख ही नहीं आएगा, दुर्बुद्धि मौत का कारण भी बनेगी, झगड़े का कारण भी बनेगी। आप लोगों को मालूम होगा, सब जानते हैं, कहानी बहुत प्रसिद्ध है। रावण के पास धन की कमी नहीं थी। रामायण के अनुसार लंका सोने की नगरी कही जाती थी, और सोने की नगरी का राजा था रावण, उसका धन कितना रहा होगा, पूरी लंका है उसकी थी, अपार संपत्ति। कहते हैं कि रावण ने कुबेर के खजाने पर भी अधिकार कर लिया था, कुबेर को जीत लिया था और उस पर अधिकार कर लिया था। और कहते हैं कुबेर देवताओं का खजांची था, कोषाध्यक्ष था। कहानी के अनुसार कुबेर रावण का बड़ा भाई था, लेकिन रावण ने उसको भी जीत करके उसके खजाने पर अधिकार कर लिया। इतना धन था रावण के पास और बहुत बल था, सारे देवताओं को जीत लिया था, इंद्र को जीत लिया था, पूरी दुनिया भर को में जितने राजा महाराजा थे सबको जीत लिया था रावण। इतना बल था उसके पास, बहुत अधिकार था, और विद्वता खूब थी उसके पास। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित माना जाता है। वेद विद्या व्रत स्नातः, रावण के लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि रावण वेद विद्या व्रत स्नातः था। वेद विद्या व्रत स्नातः का अर्थ होता है वेद विद्या में उत्तीर्ण। तो रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित था, धन था, बल था, विद्या थी, अधिकार था, सब कुछ था रावण के पास। लेकिन इस सब होने के बाद भी उसने अपनी दुर्बुद्धि का त्याग नहीं किया, और इसी दुर्बुद्धि के कारण उन्होंने पराई नारी का अपहरण किया। परिणाम क्या हुआ, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती, ये कहानी कही जाती है। तो सब कुछ रावण के पास था, सुंदर बुद्धि नहीं थी, बुद्धि में थोड़ी गड़बड़ी थी, इसलिए सब कुछ होते हुए भी रावण सुखी नहीं था। और काम ऐसा गलत किया जिस काम के परिणाम में वह मारा तो गया ही, अपने नाम को भी बदनाम कर गया। कब हुआ है रावण, कहां जाता, हजारों लाखों साल हो चुका होगा, लेकिन आज भी उनका नाम ऐसा बदनाम है कि कोई भी माता पिता अपने बेटे का नाम रावण रखना नहीं चाहता है। होता तो गनौर में राम नाम के आदमी मिलेंगे, लक्ष्मण मिल सकते हैं, भरत मिल सकते हैं, दशरथ मिल सकते हैं, रावण कहीं है आपके गनौर में? कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस एक दुर्बुद्धि ने पूरे रावण के परिवार का विनाश किया और रावण के नाम को भी बदनाम कर दिया। दुर्योधन के पास किस चीज की कमी थी, शर्त थी कि पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करके आए तो उनका राज्य वापस कर दिया जाएगा। पांडवों ने शर्त पूरी की, और शर्त पूरी करने के बाद दुर्योधन से कहा कि अब हमें हमारा राज्य वापस कर दो। राज्य वापस कर देते दुर्योधन तो क्या घटता, दुर्योधन को खाने की कमी हो जाती। लेकिन दुर्योधन ने कहा बिना लड़ाई के सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। ये कौन कहता है,
आदमी की दुर्बुद्धि कह रही, दुर्योधन दुर्बुद्धि कह रही है कि बिना लड़ाई के सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। और इसका परिणाम क्या हुआ? 18 दिन के महाभारत में पूरे कौरव वंश का विनाश। तो दुर्बुद्धि जहां आएगी वहां आदमी सब कुछ प्राप्त करके भी सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए आप कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर। जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सारी दुर्बुद्धियों को दूर कर दो। अभी सुन रहे थे हम कि संगत कीजिए साधु की, सदगुरु कबीर की साखी। साहब कहते हैं कि साधुओं की संगति करो। साधु कौन? जिसकी दुर्बुद्धि दूर हो गई हो वो साधु है। किस कपड़े में है कोई मतलब नहीं है, आपके कपड़े में है कि हमारे कपड़े में है, गेरुआ पहनता है, सफेद पहनता है, पीला पहनता है, कोई मतलब नहीं। जिसकी दुर्बुद्धि दूर हो गई है और जिसके जीवन में सुबुद्धि है, सुंदर आचरण है, सुंदर व्यवहार है, सुंदर कर्म है, वही साधु है। ये तो हम लोग भेद कर देते हैं कि अमुक कपड़ा पहनने वाला साधु है, अमुक कपड़ा पहनने वाला साधु है। यद्यपि साधुओं के कपड़ा होता है जैसे हमारा कपड़ा, साधु कपड़ा माना जाता है, लेकिन खाली कपड़े में साधुता नहीं है। यदि कपड़ा पहनने मात्र से कोई साधु होता तो सब कोई कपड़ा पहनकर साधु हो जाए, ऐसा नहीं है। साधु वह जिन्होंने अपनी दुर्बुद्धि को दूर कर दिया है और जिसके जीवन में सुबुद्धि है, सुंदर आचरण है, सही समझ है। दुर्बुद्धि के अभाव में घर घर में कलह होता है, दुर्बुद्धि के अभाव में भाई भाई में बातचीत बंद हो जाती है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यहां तक सुना गया है, कितने लोग कहते हैं कि मैं दुश्मन से बात कर सकता हूं, अपने भाई से बात नहीं कर सकता। यही है दुर्बुद्धि का परिणाम। भाई जैसा प्यारा और कौन हो सकता है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई, चारों में कैसा सुंदर प्रेम। दुर्बुद्धि होती, शाम को राम को कहा गया था कि कल सुबह तुम्हारा रात तिलक होगा, लेकिन सुबह कह दिया गया कि नहीं, रात तिलक तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें जाना है 14 साल के लिए वनवास और रात तिलक होगा भरत का। राम ने एक शब्द भी नहीं कहा कि कल तो सुबह मुझे रात तिलक दिया जा रहा था, शाम को आज कहते हो गया। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, भाई भरत को गद्दी मिल जाए इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। राम ने भरत के लिए राज्य का त्याग कर दिया। भरत आए ननिहाल से, उन्हें पता चला कि मुझे राज्य मिला और राज्य कारण भाई को बनवास का, कैसे राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज्य तो बड़े भाई का है। गए चित्रकूट में और राज्य को राम के चरणों में समर्पित कर दे, भैया राज्य के मालिक आप हैं, आप लौटे। और यहां तक उन्होंने कहा, राम ने कहा भरत पिता ने मुझे जंगल दिया है, बनवास दिया 14 साल के लिए, और तुम्हें राज्य दिया है, इसलिए तुम अयोध्या जाकर वहां का राज्य करो और मैं बनवास रहता हूं। तो भरत ने कहा नहीं भैया, राज्य के मालिक आप हैं, आप चलें। अब यदि आप ये सोचते हो कि पिताजी ने एक भाई को वनवास दिया है और एक भाई को राज्य दिया है, तो ऐसा करता हूं मैं वनवास में रहता हूं और आप अयोध्या जाकर के राज्य करें, भरत ने ऐसा कहा, ये क्यों? यही सुंदर बुद्धि का परिणाम। और राम की सुंदर और रामायण सुंदर कहानी पूरे भारत में आज प्रचलित है। यदि राम ये कहते कि नहीं,
गद्दी पर मेरा अधिकार है, मैं गद्दी पर बैठूंगा, कौन होता है मुझे निकालने वाले। अब भरत कहते हैं वाह, पिता ने गद्दी मुझे दी है, कौन होते हैं राम गद्दी पर बैठने वाले, गद्दी पर मैं बैठूंगा। तो जैसे कौरव पांडव लड़ करके मर गए वैसे वहां भी झगड़ा हो गया होता, लेकिन नहीं, उन दोनों ने अपनी दुर्बुद्धि का त्याग किया और सुंदर बुद्धि का परिणाम सामने आया, भाई भाई का उत्तम प्रेम, सुंदर कहानी। ऐसी कहानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं कह रहा था जब दुर्बुद्धि होती है तो भाई भाई आपस में लड़ते हैं, सास बहू आपस में लड़ती है, पिता पुत्र लड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं, दुर्बुद्धि कहीं भी होगी लड़ाई होगी। दुर्बुद्धि रहेगी तो परिवार में भी सुख से जिया नहीं जा सकता। कितना धन है आपके पास इसका महत्व नहीं है, कितना पढ़े लिखे हैं आप इसका महत्व नहीं है, आप क्या खाते हैं मेवा मिष्ठान खाते हैं या सुखी रोटी खाते, महत्व इसका नहीं है। दुर्बुद्धि है, भाई भाई में कला है, पिता पुत्र में कला है, पति पत्नी में कला है, सास बहू में कला है, लड़ाई झगड़ा है, तो मेवा मिष्ठान खा करके और बहुत बड़े बंगले में रह करके सुख नहीं मिलेगा, वहां नरक का दुख ही भोगना पड़ेगा। और यदि पति पत्नी में सुंदर व्यवहार है, पति पत्नी में आपस में सुंदर प्रेम है, समता है, समर्पण भावना है, भाई भाई में प्यार है, पिता पुत्र में प्यार है, सास बहू में प्यार है, तो फूस की झोपड़ी में रहकर और नमक भात खा करके सुखपूर्वक जीवन जिया जा सकता है। सुख धन में नहीं है, सुख भवन में नहीं है, सुख है सुंदर बुद्धि में, सही समझ में और सही व्यवहार में। और इसके लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते, हमारी दृष्टि सब समय बाहर बनी हुई है कि बाहर हमारा सब बढ़ता जाए, सब बढ़ता जाए। आप लोग गृहस्थी में रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे बाल बच्चे खुश रहें, उनका बढ़िया मकान हो, खूब जमीन हो, खूब धन हो, उसके लिए आप चिंतित रहते हैं। और महात्मा लोग, साधु लोग सोचते हैं कि हमारा मठ खूब बड़ा बन जाए और हमारे जो चेले हैं वो लग आराम के जीवन जिए। अरे मठ बड़ा है कि छोटा इससे क्या मतलब, मठ बड़ा होने से कोई साधु बड़ा नहीं होता। साधु बड़ा होता है अपने त्याग वैराग्य और ज्ञान से। और ये कब होगा, जब जीवन में सुंदर बुद्धि आएगी तब। इसलिए साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। पहले यदि सुख चाहते हो तो पहला काम ये करना होगा, दुर्बुद्धि को दूर करो। गलत समझ होती है तब आदमी गलत बात बोलता है, गलत काम करता है और गलत खान पान करता है। गलत बात बोलकर, गलत खान पान रखकर और गलत काम करके जीवन में कभी सुख किसी को न मिला है और न मिलेगा। गलत बोलकर और गलत खाकर गलत करके तो आदमी को केवल पश्चाताप होता है। आप देखें कई बार ऐसा होता है जब आदमी जोश में आ जाता है, समझ नहीं पाता, कटु बात कह देता है पिता को, पुत्र को, भाई को, माता को, पत्नी को, और बोलने के पश्चात पछताता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप यह देखें कि जो बात मैं कह रहा हूं या जो बात मैंने कही है उसके बाद मेरे मन की स्थिति कैसी रही है और सुनने वाले के मन की स्थिति कैसी रही है। दुर्बुद्धि जहां होगी वहां गलत बात निकलेगी और गलत बात निकल करके
कोई सुखी नहीं हो सकता है, गर्व आकर कोई सुखी नहीं हो सकता, शांत से रह नहीं सकता। इसलिए साहब ने क्या कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अपने मन के अहंकार को मिटा करके ऐसी बात बोलो कि जिससे अपना भी मन शीतल हो और सुनने वाले का भी मन शीतल हो। ज्ञान और वैराग की ऊंची ऊंची बात हम कह लें, आत्मा और परमात्मा की बात भी बहुत ऊंची ऊंची कह लें, स्वर्ग और नरक की लंबी लंबी व्याख्या कर लें, और बारीक से बारीक विषय पर खूब गहराई से विचार कर लें, अब बोलने का तरीका नहीं आता है तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान काम नहीं करेगा। हम जहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो आपको क्या मालूम कि मैं क्या जानता हूं क्या मानता हूं? आप तो मेरे व्यवहार को देखोगे ना, आप मेरी वाणी को देखोगे, मेरे कर्म को देखोगे, और मेरी वाणी मेरे कर्म मेरा व्यवहार है गलत, तो आप क्या कहेंगे? हाँ भैया ज्ञानी तो है, साधु तो है, लेकिन बोलने का तरीका भी नहीं आता है, व्यवहार करने का तरीका भी नहीं आता, आपके मन में खराब प्रभाव पड़ेगा। और कोई अपरिचित साधु हो, अपरिचित व्यक्ति हो, बहुत विनम्रता से बोलता है, सुंदर व्यवहार करता है, सुंदर कर्म करता है, अपने आप का मन स्वीकार करेगा कि हाँ यह बात, ये जो साधु है इनकी बात व्यवहार कर्म बड़े हम बढ़िया है, ऐसे हमें होना चाहिए। ये कब होगी? जब दुर्बुद्धि का त्याग होगा तब। अध्यात्म मार्ग में, साधना मार्ग में कहना चाहिए, कल्याण के मार्ग में चलने के लिए पहली शर्त यही है, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धियों को दूर करें। दुर्बुद्धि का त्याग किए बिना कोई भी आदमी साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण मरने के बाद नहीं मिलता। लोग कहते हैं कल्याण तो मरने के बाद मिलता है। अरे मरने के बाद मिलेगा तो विश्वास क्या है? किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा? आज जीते जी हम बंधन में हैं, आज जीते जी अशांत हैं, जीते जी दुखी हैं, चिंतित हैं, तो मरने के बाद कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण का अर्थ है मन का पूरी तरह से शांत, संतुष्ट हो जाना, तृप्त हो जाना। और मन संतुष्ट कैसे होगा, तृप्त कैसे होगा? धन से संतुष्ट नहीं होगा मन, विद्या से पद से नहीं होगा, मठ महंती से गुरुवाई से नहीं होगा मन। मन संतुष्ट होगा सही ज्ञान से और सही आचरण से। और ज्ञान सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, दुर्बुद्धि बनी हुई है, तो क्या करेगा? साहब ने इसलिए कहा है कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी का अर्थ क्या होता है? फकीरी का अर्थ मन का तृप्त होना और मन का निर्मल होना। मन की निर्मलता, इसके बिना कल्याण का अनुभव कोई कर नहीं सकता है। मन गंदा है तो सहज जीवन में सुख से जिया नहीं जा सकता। आप जरा सोचें, जब जब आपके मन में कोई विकार आता है, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, काम की वासना आ गई, उद्वेग आ गया, क्या उस समय आप सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं? बहुत बड़े मकान में रहते हैं, खूब धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन आपका मन चिंतित है, क्रोध में जल रहा है, लोभ में जल रहा है, मोह में जल रहा है, आप सुखी हो सकते हैं? क्योंकि मन गंदा हो गया है,
इसलिए सच्चा सुख कहां मिलेगा? मन की निर्मलता में। और जिसका मन निर्मल है वही फकीर है, वही साधु है। और ऐसे जो निर्मल जीवन के संत हैं, जिसका मन निर्मल है, ऐसे फकीर ऐसे साधु के पास जब हम जाते हैं तो हमें भी अपने जीवन को, अपने मन को निर्मल बनाने की प्रेरणा मिलती है। पानी के पास हम जाते हैं, अपने आप शीतलता मिलती है। पानी का स्वभाव ही है शीतलता। आग के पास हम जाते हैं, आग के पास बैठते हैं, चाहे या ना चाहे गर्मी मिलती ही मिलती है। आग का स्वभाव ही है उष्णता। उपासना इसी को कहते हैं। उपासना का अर्थ है निकट बैठना। उप और आसना, ये दो शब्द हैं अलग अलग, दोनों को जोड़ने से उपासना शब्द बनता है। उपासना का अर्थ होता है भक्ति, श्रद्धा, समर्पण। लेकिन उपासना का मूल अर्थ है उप कहते हैं निकट को, आसना कहते हैं बैठने को। निकट बैठना, अभी मैंने कहा कि पानी के पास जाएंगे शीतलता मिलेगी, आग के पास जाएंगे गर्मी मिलेगी, चोर के पास बैठते बैठते चोरी की बात सीखने को मिलेगी, डॉक्टर के पास बैठेंगे तो डॉक्टरी का ज्ञान होगा। इसी प्रकार जिनका जीवन निर्मल है, जिनकी वाणी निर्मल, जिनका मन निर्मल, जिनके कर्म निर्मल, ऐसे संत के पास हम बैठते रहें, बैठते रहें, बैठते रहें, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में भी निर्मलता आती जाएगी। ऐसा नहीं, कितने लोगों को भ्रम होता है कि साधुओं के पास बैठेंगे भैया तो साधु हो जाएंगे। इस गांव में बहुत से लोग महात्मा आए होंगे, कितने लोग साधु हुए हैं गांव से? साधु होना अलग बात है। साधु के पास बैठने से साधु होने की प्रेरणा मिलती, साधु के पास बैठने से जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा मिलती है। घर में रहो लेकिन जीवन तो आपके साथ है ना। कहीं भी जाए, चाहे घर में रहें चाहे कहीं आश्रम में जाएं, आपके साथ आपका जीवन है, आपके साथ आपका मन है, मेरे साथ मेरा जीवन है और मेरा मन है। लेकिन आपको और मुझे या किसी को भी, सबको जीवन को सही ढंग से जीने की जरूरत है। क्या मानते हैं वो आपका विश्वास। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई महावीर को मानता है, या कोई दूसरे लोग हैं, कोई मोहम्मद को मानता है, कोई समसी को मानता है, कोई कबीर को मानता है, कोई दूसरे को मानता है। ये तो विश्वास है अलग अलग, इनमें से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। लेकिन जीवन तो सबके साथ है ना, सुख तो सभी चाहते हैं। हम लोग कबीर साहब के मानने वाले हैं, चलो अच्छी बात। तो क्या खाली कबीर साहब को हम मान लें, कबीर साहब के पंथ में हम दीक्षित हो गए, हम अपने कबीरपंथी हो गए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा? हम कबीर साहब को मानते भी हैं और बात बात में क्रोध करते हैं, गाली देते हैं, किसी को लूटते हैं, तो कबीर साहब का ज्ञान क्या करेगा? कोई राम को मानता, कोई बुद्ध को मानता है और बात बात में झूठ बोलता है, बात बात में क्रोध करता है, तो कल्याण थोड़े हो जाएगा। जिसको आप माने पाप की मर्जी, लेकिन सुधार तो सबको करना होगा ना, कल्याण तो सबको प्रिय है। और कल्याण मिलेगा कैसे? जीवन की निर्मलता से। इस बात को सब जानते हैं लेकिन हम अपने गलत स्वभाव का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं भी चले जाएं हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण याद आता है, एक कौवा और एक कोयल
बहुत दिनों से दोनों साथ साथ रहते थे। एक दिन कोयल कहीं बाहर गई हुई थी, लौटकर आती है तो देखती है कि कौवा कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। कोयल ने पूछा, कहो भैया कहीं जा रहे हो क्या? तो कौवा ने कहा, हां बहन अब इस गांव में मैं नहीं रहूंगा, अब इस गांव को छोड़ करके बहुत दूर चला जाऊंगा। कोयल ने पूछा, क्यों? तो कौवा ने कहा, जिस गांव में रहने से आदर नहीं मिलता है। अरे आदर ना मिले कोई बात नहीं, आदर के जगले निरादर मिलता है, अपमान मिलता है, वहां नहीं रहना चाहिए। इस गांव में मेरा आदर सम्मान तो कोई नहीं करता, सब लोग मेरा निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। जहां मैं बैठता हूं लोग मुझे पत्थर मार करके उड़ा देते हैं, भगा देते हैं, इसलिए अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, इस गांव को छोड़कर के दूर जाकर के बसूंगा। कौवे की बात सुनकर के कोयल ने कहा, भैया स्थान बदलने से काम नहीं बनेगा, जब तक स्वभाव को नहीं बदलोगे, जहां भी जाओगे कर कर बोलोगे ना तो उड़ा ही जाओगे, पत्थर मारे ही जाओगे तुम्हें लोग। ऐसे ही यदि हमारी दुर्बुद्धि हमारे पास में है तो हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, हमें अपमान मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा। अब कोई अपमान करे या ना करे, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं वो लोग समझदार लोग हैं, हमसे गलत व्यवहार पाकर, हमसे गलत कर्म पाकर के वे हमारा अपमान ना करें, सहन कर लें वे लोग, लेकिन मेरा मन तो मुझे क्षमा नहीं करेगा ना। मेरा मन तो कचोड़ता रहेगा कि जो बात नहीं बोलनी चाहिए था वह बात मैंने बोली है, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था वह काम मैंने किया है, जो नहीं खाना चाहिए था वह चीज मैंने खाई है। मेरा मन गवाही देता रहेगा, कचोड़ता रहेगा और मुझे कभी सुख नहीं मिल सकता है। और यदि मेरा स्वभाव ठीक है, मेरा व्यवहार ठीक है, मेरा आचरण ठीक है, मेरे कर्म ठीक है, जो कुछ मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, तो सब के सब लोग मेरा अपमान करे तो भी मेरा मन मुझे गवाही देता रहेगा कि हां मैंने ठीक किया है, और मेरा मन शांत रहेगा। बाहर के लोगों की समझ जैसी वो वैसा करें, हम समाज हम लोगों को सुधार नहीं सकते हैं, सुधार सकते हैं अपने आप को। उसकी शुरुआत कहां से करनी होगी? सकलो दुर्मति दूर करो, साहब कहते हैं सारी दुर्बुद्धि को दूर करो। आप लोग तो किसान हैं, किसानी का काम करते हैं, क्या आप जब बरसात का समय होता है या अभी भी बस खेत में जाते हैं और खेत में जाते ही बीज को ऐसे छिड़क करके आ जाते हैं, आपकी फसल होती है? खाली कितना बढ़िया सा बढ़िया बीज क्यों ना हो, खाली खेत में गए और अब खेत में छिड़क करके आ गए, फसल तैयार नहीं होगी। फसल लेने के लिए आप पहले खेत को जोतते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी पूरी कमाई कर लेते हैं, कुछ जहां अधिक घास होती घास को निकाल भी देते हैं, और जब देखते हैं कि अब अनुकूल समय हो गया है, अनुकूल योग्यता है, अब इसमें बीज डालेंगे तो फसल होगी, तब आप बीज डालते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद और धर्म अध्यात्म साधना के क्षेत्र में तैयारी कुछ भी नहीं है, दुर्बुद्धि की जो घात है उसे निकाला नहीं गया है, अहंकार की घात को निकाला नहीं गया, अंतःकरण को कोमल नहीं बनाया गया, श्रद्धा भक्ति का खाद पानी दिया ही नहीं गया, तो क्या होगा? अध्यात्म की फसल, साधना की फसल, कल्याण की फसल जीवन में पकेगी नहीं, शांति नहीं आएगी। इसलिए पहले अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा, उपजाऊ बनाना होगा, और उसके लिए पहली बात है अपने जीवन के गलत आचरण और गलत बुद्धि का त्याग। और ये मानव मात्र के लिए जरूरी है,
अमुक के लिए जरूरी ऐसी बात नहीं है, जो भी आदमी हो जीवन में जो शांति पाना चाहता है, आत्मकल्याण करना चाहता है, दुख से बचना चाहता है, सबके लिए जरूरी है। अमुक के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्त्री पुरुष बूढ़े बालक जो भी हो, जो सुख पाना चाहता है उसे अपने दुर्व्यवहार दुराचरण और दुर्बुद्धि का त्याग करना पहला, ये पहली शर्त है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू किया था कि हमारे जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है, आदमी चाहता क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है दुख की निवृत्ति, शांति की प्राप्ति। बहुत बढ़ गया बाहर और मन जल रहा है तो क्या फायदा। आप लोगों ने देखा होगा इक्का इधर चलता है, चलता चलता होगा इधर भी इक्का, उसमें इक्का वाला घोड़ा को जोत देता है और घोड़े को खूब श्रृंगार किया हुआ है, खूब सजाया है घोड़े को और बैठा है, सवारी बैठाया हुआ है और सवारी बैठा करके घोड़े को दौड़ा रहा है, घोड़े को खूब श्रृंगार किया गया है, खाली घोड़े को दाना पानी दिया नहीं गया है। मतलब क्या होगा, घोड़ा दौड़ेगा इक्का में? अरे घोड़े का श्रृंगार बिल्कुल मत करो, घोड़े का पेट भरो, खूब से दाना पानी दो, घोड़ा इक्का खींचेगा और पांच जगह पर सात आदमी बैठा दोगे तो भी खींच लेगा, क्योंकि घोड़े का पेट भरा हुआ है और पेट भरेगा तब ताकत आएगी। श्रृंगार खूब किया गया घोड़े का, खूब फूल माला और घंटी उंटी खूब पहनाए और सुबह से शाम तक दाना पानी दिया ही नहीं गया, क्या करेगा घोड़ा। ठीक इसी प्रकार हमने बाहर का वैभव खूब बढ़ा लिया, मकान बढ़िया बना लिया, दुकान बढ़िया बना लिया, गाड़ी बढ़िया खरीद ली, शरीर में के कपड़े भी बढ़िया बना लिया, खूब धन वैभव सब बढ़ा लिया गया, लेकिन जो मूल बात है जीवन का आचरण उसे ठीक नहीं किया गया, दुर्बुद्धि को दूर नहीं किया गया। तो समझ लें हम बिना दाना पानी के ही चल रहे हैं, शांति नहीं मिल पाएगी। और जिस आदमी के पास शांति नहीं है, करोड़पति होकर के भी वह करोड़पति नहीं अरबपति खरबपति होकर के भी वह आदमी मान लो बिल्कुल निर्धन है, कंगाल है। और जिस आदमी के मन में शांति है, तृप्ति है, संतोष है, फूटी झोपड़ी में रह करके भी वह माला माल है। साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहंसा। बिना पैसे की बादशाहत आप भोग सकते, बिना पैसे के बादशाह हो सकते हैं। कैसे? दुर्बुद्धि को दूर करके सद्गुणों का आचरण करें और मन से पूरी तरह से निष्काम हो जाएं। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप काम ना करें, मेहनत ना करें। जो आदमी जहां है जिस क्षेत्र में है, खेती करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, पूरी तत्परता से आप काम करें। जितना अधिक से अधिक आप काम कर सकते हो उतनी तत्परता से काम करो। व्यवहार के क्षेत्र में हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए, निकम्मा आदमी तो किसी काम का नहीं, वो तो दुनिया का बोझा है। हर आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ शांति की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को परमार्जित भी करना चाहिए। और जब जीवन परमार्जित होगा, दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, सद्गुण सदाचार से जीवन परिपूरित हो जाएगा, तो अब जहां भी रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे, आपके भीतर शांति का साम्राज्य लहलहाता रहेगा, आप बादशाह बने रहेंगे। आवश्यकता है मन को निर्मल बनाने की, चिंता मुक्त बनाने की, भयमुक्त बनाने की और जीवन को सद्गुण सदाचारमय बनाने की, तभी शांति आएगी। और जिसके जीवन में शांति है उसके जीवन में मानो सब कुछ है, और शांति नहीं है मतलब
बिल्कुल जीवन बेकार है, कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण दे करके अपनी बात समाप्त करता हूं मैं। एक आदमी था, एक दिन एक नई साइकिल लेकर के वो आदमी सड़क से जा रहा था। साइकिल को लिए हुआ था, बैठा नहीं था, चला नहीं रहा, हाथ पकड़ कर जा रहा था। बगल चबूतरे पर एक आदमी बैठा था, देखा उसने कि एक जवान आदमी है, नई साइकिल दिखती है, बैठा नहीं है, बस हाथ से पकड़ कर ले जा रहा है। सोचा कोई कारण होगा। दूसरे दिन वो फिर देखता है उसी रास्ते से, तो वह आदमी साइकिल हाथ में पकड़े हुए फिर ले जा रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता नहीं है? उसने कहा, नहीं, मुझे साइकिल चलाना तो आता है। तो क्या का हाथ पैर में तुम दर्द है, तुम बीमार हो? के बीमार भी नहीं हूं, हाथ पैर में दर्द भी नहीं है। तो क्या साइकिल बिगड़ गई है? कि साइकिल बिगड़ी भी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, जब तुम्हें साइकिल चलाना आता है और तुम स्वस्थ हो, साइकिल बिगड़ी नहीं है, तुम साइकिल चलाते क्यों नहीं हो, क्या कमी है? उसने कहा, भाई साहब, सब चीज अच्छी है, किसी बात की कमी नहीं, खाली एक कमी है। कहे, क्या कमी है? साइकिल में चेन नहीं है। तो साइकिल में चेन नहीं है तो कैसे साइकिल चलेगी? इसी प्रकार हमारे पास खूब धन है, कोई कमी नहीं, धन खूब धन है, माला माल है, खूब बड़ा मकान है, खूब बड़ा परिवार है, बाल बच्चों से परिवार भरा पूरा है, खूब विद्या है, खूब बल है, सब संपन्न है, खाली एक चीज नहीं, वो क्या है? मन में चैन नहीं है। साइकिल में चैन नहीं है तो साइकिल बेकार है, जीवन में चैन नहीं है तो जीवन बेकार है। उसी चैन के लिए ही भजन, भक्ति, संयम, साधना, सेवा, आराधना, इसकी जरूरत होती है। और सब कुछ का मूल उद्देश्य क्या है ये सब करने का? अपने जीवन को परिमार्जित करना, दोषों को, दुर्बुद्धि को दूर करना और जीवन को सद्गुण सदाचारमय बनाना। और उसी के लिए ही इस सत्संग का भी आयोजन किया गया है। हम लोगों को चाहिए संतों गुरुजनों की वाणियों को मनन करके, चिंतन करके, उनका अपने जीवन में आचरण करें और आचरण करके इसी जीवन में हम परम सुख, परम शांति का अनुभव करें। हमें सुंदर मानव जीवन मिला है, पशु पक्षी कृमि कीट आदि आत्म कल्याण का काम नहीं कर सकते, आत्म शांति का अनुभव ये नहीं कर सकते। आत्म शांति का अनुभव कर सकता है केवल इंसान, केवल मनुष्य। हमें सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, सुंदर बुद्धि मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, संत मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, अवसर मिला है, इन सब को उपयोग करते हुए हम अपने जीवन का परिमार्जन करें और परिमार्जन करके परम शांति, परमानंद, परम सुख का अनुभव करते हुए आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं।